अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदना व अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मैं हूं रजवी राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा कर, जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से कराते हैं जिन्होंने माशरे में एक मुकाम हासिल किया। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आप तक पहुँचाना वो साविये, वो रस्ते, वो मंजिलें और वो मुश्किल जिस पर चल कर एक इंसान अपनी मंजिल को हासिल करता है। आज हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, मेम्बर कंट्रोल में बोर्ड हाजी ज़फ़र इकबाल, जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं और हमारे इलाके की जानी पहचानी शख्सियात हैं, हम उनसे उनकी ज़िंदगी की कहानी सुनेंगे और मज़ीद उसके बाद कुछ सवाल आते होंगे। जी आज साहब, आप अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी सुनाएंगे और बचपन से लेकर सियासी ज़िंदगी तक का सफ़र जो कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। देखें, जो ज़िंदगी के जो सफ़र होता है, जो बचपन होता है, जवानी होती है, फिर आके बंदा एक मैच्योर सियासत में आता है, उसमें बहुत सारे नशेब फटा जाते हैं। जब हम बचपन का दौर था तो ये इस इलाके में आबादी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, बहुत कम। ये एक हम छोटे छोटे कबाइल थे यहाँ पे, जिस तरह हमारा गांव था ये दमयाल, कोठाकोट, अशरफ कॉलोनी, तीन चार गांव थे यहाँ। ये कबाइल का पे मुश्तमिल था। ये हमारे दोस्त थे, हम सब कासम बेस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ से पढ़ते पढ़ते फिर आगे मुख्तलिफ स्कूलों में ट्रांसफ़र हुए। कोई मैं गवर्नमेंटी दरियाबाद में चला गया, कोई मेरे दोस्त किसी और स्कूल में चले गए, फिर हमारा कॉलेज की सतह पे सफ़र शुरू हुआ। तकरीबन हम कॉलेज में इकट्ठे थे सारे दोस्त, तकरीबन 60-70% दोस्त जो है ना हमारे इकट्ठे थे असगरमाल कॉलेज। तो असगरमाल कॉलेज में मैंने इब्तदाई सियासत का आगाज़ किया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी थी और 89 था, जिसमें मुझे सब इलाके के दोस्तों ने और जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी वो, क्योंकि क्लास के हवाले से वहाँ पे उदा दिया जाता था, मैं वहाँ पे था सेकंड ईयर में, तो मुझे उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी का उदा दिया। तीन ही उदे थे, जनरल सेक्रेटरी, सदर, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन वो इब्तदाई दौर था, क्योंकि उस वक्त जमीयत का बड़ा ज़ोर था, लेकिन हमने बड़ा अच्छा वहाँ पे कॉलेज की सतह पे मुकाबला किया। उसके बाद फिर मैं आगे सोशल सेक्टर में आया, मुख्तलिफ हमने इस इलाके के अंदर वेलफेयर तंजीमें बनाई, और जिससे ज़्यादा हमने अरूज पकड़ा जिस सोशल तंजीम से, वो कादिर आज़म वेलफेयर सोसाइटी थी, वो जो इस इलाके की एक नुमाइंदा वेलफेयर सोसाइटी थी, जिससे हमने बहुत सारे काम भी किए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जब स्कूलों के नतज का ऐलान होता था तो हम फ्री किताबें तकसीम करते थे मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाके, फिर हम मुख्तलिफ कौमी दिन जो थे 14 अगस्त, 6 सितंबर या इस तरह की मुख्तलिफ हवालों से, वो हम टैबलो कम्पटिशन और तकरीर और इसी तरह नाद के मुकाबले करवाया करते थे, बड़ा अच्छे हम कंपटीशन करवाते थे। फिर आस्ता आस्ता आगे बढ़ते गए, फिर उसी दौरान 98 के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे थे, तो मुझे एक दो दोस्त थे मुझे, उन्होंने कहा जी कि आपको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मैं इत्फाकन गया वहाँ पे, कोई इलेक्शन लड़ने के इरादे से नहीं, वहाँ पे देखने गया कि इलेक्शन किस तरह लोग लड़ते हैं, कागजात किस तरह जमा कराते हैं। उन्होंने मेरे कागजात लिए, खैर वाले साहब से इजाज़त ली, ये एक लंबी दास्तान है। इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया, तो कई जब सुबह उन्होंने अखबार में पढ़ा दोस्तों ने, तो उनको पता नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फिर मैं जब उन्होंने बताना शुरू किया तो फिर आस्ता आस्ता एक जो हमारा कारवां था वो बनता गया, क्योंकि ऑलरेडी मुझसे पहले उस वक्त पार्टी टिकट नहीं थे, लेकिन पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार नामजद कर रखे थे। मुस्लिम लीग नून ने भी नामजद कर रखा था, पीपल्स पार्टी ने भी, जमात इस्लामी ने भी।
मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सामने आया। वो एक जब कंपेन मेरी शुरू हुई तो मैं जब कंपेन करने जाता किसी गली मोहल्ले में, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मेरे साथ गली मोहल्ले में कंपेन करना शुरू कर देते। वो खैर पूरे कैंट में एक बहुत अच्छा इलेक्शन था कि उस वक्त मैंने पिंडी में सेकंड हाईएस्ट लीड थी मेरी आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर। फिर उसके बाद ये सफ़र चलता रहा, मुअत्तल होते रहे कंटोनमेंट, लेकिन मैं अपना सफ़र मैंने जारी रखा, मैंने जो अपनी खिदमत थी उसको जारी रखा। फिर अमशीरू से मेरा क्योंकि सोशल काम था कि इस इलाके के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि कब्रिस्तान का मसला था, कब्रिस्तान इस पूरे इलाके के अंदर नहीं था। हमने अपनी ज़मीन डोनेट कर रखी थी, पहले तो हमारी हवाई ज़मीन पड़ी थी क्योंकि आबादी बहुत कम थी, फिर आबादी बढ़ती गई। मैंने हर जो बड़े मोहल्ले थे उनके मोहल्लों की मैंने कब्रिस्तान कमेटियाँ बनाई, उनको फिर अपनी जगह दी, उन्होंने चार दीवारियाँ बना के वहाँ पे मुख्तलिफ जो उन्होंने कमेटी थी मेंबरशिप करके अपने अपने हैंड ओवर कर लिए। आज अल्लाह का शुक्र है पूरे कैंट रावलपिंडी और चकलाला, हत्ता कि मैं यूनियन काउंसिलों को भी सामने रख के बात करूँगा, किसी के पास अपना कब्रिस्तान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो वार्ड है वार्ड 6 या हमारी जो यूनियन काउंसिल है बाहर हमने अपना कब्रिस्तान डोनेट कर रखा है, कोई उसमें इशू नहीं है। अभी जब कोई मसला होता है तो मैं उसको अकोमोडेट कर लेता हूँ। तो ये सबसे बड़ा काम था। फिर वो इसी तरह इलाके के अंदर मुख्तलिफ अभी भी जो मसले होते हैं, कई काम ऐसे होते हैं कि मैं खुद ही कर देता हूँ। वो उस तरह के अज़ार करने से फिर जो इंसान का एक अल्लाह ताला के साथ एक जो आप कारोबार करते हैं ना वो ख़त्म हो जाता है, कहते हैं ना वो अपना नाम पैदा कर जी। तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप अल्लाह ताला के अहकामात और बंदों के हकूक आप पूरे करते रहें दुनिया में तो अल्लाह आपका नाम खुद खुद बुलंद करता रहेगा। तो ये आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, मारा मारी है, लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। मेरा एक फिक्स टाइम है कि मगरब से 9-10 बजे तक मैं वहाँ यहाँ पे बैठा रहता हूँ, और बिला तफरीक कोई पार्टीज़म नहीं, जो भी मेरे पास आता है कि मैं जो मेरी मुझसे खिदमत हो सकती है मैं करता हूँ। सुबह के वक्त मैं कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस चला जाता हूँ। तो ये एक तसलसल है, तो कहने में बड़ा आसान है लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये मेरी जो एक कहानी थी, इस कहानी बहुत लंबी है मेरी, उस पे अगर सर आप समाजी कामों में ज़्यादा और सियासी जो हैं सियासी कामों में बहुत कम शरीकत रखते हैं, इसकी वजह क्या है कि सियासी सफ़र वो जो आपका 98 में शुरू हुआ था अभी 2020 है, 22 साल हो गए आपका मेंबर कंट्रोल बोर्ड ही। मेरा मुझे हमेशा समाजी अपने जो सियासतदान होते हैं बड़े सियासतदानों से गिला रहता है। अच्छा, गिला ये रहता है कि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, जो अच्छा काम करने वाला होता है उसको जो हमारे बड़े सियासतदान हैं उसको लारा लप्पा तो लगा देते हैं लेकिन आगे नहीं आने देते। जो सबसे बड़ा फैट या बहुत बड़ा मसला है, सबसे आप देख लें पूरे इलाके के अंदर जो काम करने वाला कोई भी बंदा होगा उसको आगे नहीं आने देते, रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। मेरा सियासतदानों से यही सबसे बड़ा गिला रहता है कि खुदा रहा आप अच्छे नुमाइंदों का चुनाव करें इलाकों के अंदर। होता है ये है कि जो उनके फोकल पर्सन होते हैं वो बदनामे ज़माना और इस तरह के होते हैं कि लोग उनसे नफ़रत कर रहे होते हैं, लेकिन वो आगे नुमाइंदगी कर रहे होते हैं किसी सियासतदान की। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है। सर उन सियासतदानों के साथ आपके बड़े करीबी ताल्लुक हैं, अगर 2-3 फैमिली की बात की जाए तो मेरे सारे, देखो मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। एक देखिए मेरा जो ताल्लुक है वो चौधरी निसार अली खान के साथ पर्सनल है, वो भी पार्टी के सतह पे नहीं है, उनकी सतह पे है।
आज भी कायम है उनके साथ। लेकिन यहाँ पे जो बड़े मिसाइल हैं अभी जूँ के तू ही हैं, ये आप बेशक हल्के में रहते हैं, ख़ुद भी आप इसको पब्लिश करते हैं, जो बड़े मसले हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। यहाँ पे सेल्फियों का ज़माना है जी, जो जो आगे आगे अपनी सेल्फी लगाएगी और शाम को बता दिया कि जी मैंने ये काम कर दिया। लेकिन जो काम करने वाले हैं आज तक नहीं हो सके, कोई इस इलाके के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इस तरह की कई एक ऐसे मसले हैं यहाँ पे अभी तक नहीं है। सर सरवर खान साहब चौंतरा में अभी हॉस्पिटल डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज उन्होंने बनाया है वहाँ, इस तरह डिग्री कॉलेज आपके दो बने हैं जी, एक दमयाल में जी वो आपकी हुकूमत चौधरी निसार साहब ने बनाया है, ठीक है, लेकिन अभी उन तक उनको भी नहीं ये फंक्शनल नहीं करवा सके, मुकम्मल नहीं हो सके फंक्शनल चल रहे हैं। इसी तरह हमारे डोक सईदा में बने वो भी मुकम्मल फंक्शनल नहीं है। सर ये गलती किसकी है, हुक्मरानों की है कि जिन्होंने मंजूर करवा दी है, या आप नुमाइंदों की है कि आप इस चीज़ को देखें? ये हुक्मरान कोई भी आता है ना, उसको चाहिए कि इलाके की ज़रूरत को मद्देनजर रखे। अवाम जो है अवाम हमारी अवाम को जो सबक पढ़ा दिया जाता है ना उसी पे चलते रहते हैं, वो एक सबक पढ़ते रहते हैं, जब भी वो टाइम ख़त्म होता है तो उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है, हम चौंतरे की बात नहीं करते, नहीं हम चौंतरा से वो भी सारे हमारे भाई हैं काबिल एहतराम हैं, लेकिन आप ये इलाका देखें जिसमें हम बैठे हैं दमयाल का एरिया, हमारा तो सीएमएच 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। सीएमएच में सारे लोगों को अकोमोडेट किया जाता है? नहीं, सिविल जो लोग हैं, हम सिविल लोग अगर किसी की खातून की डिलीवरी केस है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगी, इतने पैसे होते हैं उनके पास, बड़ा मुश्किल है। किसी के हार्ट पेशेंट है तो वो यहाँ से अगर किसी हॉस्पिटल में पहुँच रहा है तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है या कोई इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, ये आपको बड़ा अहम इशू है। फिर इसी तरह कोई किसी को मर्डर केस हो गया, गोली लगी किसी को हॉस्पिटल, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल केस, ये जो चीज़ें हैं इस ये हब है, ये पूरे इलाके का ये जो यहाँ पे हम बैठे हैं दमयाल, ये हब है। इसमें जो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं सारे काबिल एहतराम हैं, उनको अगर ये काम करेंगे तो उनको मुद्दतों ये हमारी जो इलाके की नस्ल है ये अवाम याद रखेगी। ये गली नाली की सियासत से आगे कोई भी नहीं बढ़ता, गली नाली की सियासत से थोड़ा सा आगे आना चाहिए। बहुत सारे मसले हैं यहाँ पे, इससे पहला जो दौर था राजा बिशारत साहब ने अच्छे काम करवाए थे, अब भी वो करवा रहे हैं, लेकिन उनसे ये गुजारिश है कि आप पंजाब में इस वक्त नुमाइंदा हैसियत से बैठे हैं कि आप इस इलाके के नुमाइंदे हैं, आप ये ना देखें कि मैं PP14 से इलेक्ट हुआ, आपको दमयाल और दीगर इलाकों पे भी नज़र रखनी होगी, तब जाके इस इलाके की सिचुएशन तब्दील होगी। इस इलाके में अगर हॉस्पिटल नहीं है तो आपका बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो कैंट के इलाके हों चाहे किसी जगह पे भी। देखिए मैं अगर एज ए मेंबर एक अपनी ज़मीन दे के डिस्पेंसरी बनवा सकता हूँ और फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा सकता हूँ और कहीं ऐसे काम में करवा सकता हूँ, तो ये तो इन लोगों के पास तो हर तरह की पावर है, ये पावर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आज इनके पास मौका है कि आप अपने मौके को ज़ाया ना करें, क्योंकि ये जो हुकूमत होती है जिस अब बंदा गाड़ी में झंडा लगा होता ना तो ये नशा चंद दिनों का होता है, बंदा इस तरह ही होता है कि सो के उठता है तो टाइम ख़त्म हो जाता है। तो ये पानी का बहुत बड़ा मसला है, फैक्टर है यहाँ पे वाटर सप्लाई का तमाम यूनिवर्सल, और इस सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर कोई कमाई का दायरा है तो मेरे ख्याल में वो टैंकर के लोग हैं, टैंकर माफिया जिनको कहते हैं, क्योंकि वाटर सप्लाई जो चांद डैम का जो प्रोजेक्ट है वो अगर इस गवर्नमेंट इस पर दिलचस्पी ले, बाकी प्रोग्रामों को थोड़ा सा पसे पोश रख के इस प्रोग्राम को आगे लेके चले। दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे स्वी गैस का प्रेशर का है, सर्दियाँ जब शुरू होती हैं तो लोगों के घरों में प्रेशर ही नहीं होता, तो पहले ये काम नहीं करते, उन दिनों में ये क्या करते हैं ड्रिलिंग शुरू करवा देते हैं, ड्रिलिंग से ज़मीन से गैस निकलेगी, गैस का प्रेशर लेके आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैंट में CMH और MH में उन्होंने अपनी लाइन डलवा के अगर उन्होंने प्रेशर पूरा कर लिया है
तो बाकी जो इलाके हैं इस तरह की एक और लाइन भी डाली जा सकती है। तो ये एक ज़रूरी काम है यहाँ पे हमारी, जहाँ पे ठीक है हमने एक प्रोटेस्ट की थी पुलों के हवाले से, उन पे काम शुरू है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि उसको जल्दी करें मुकम्मल, किसी वक्त भी कोई हादसा ना पेश आ जाए। तो ये इलाका अब मज़ीद आने वाले वक्त में ये पिंडी का एक बहुत अहम इलाका बनता जा रहा है, तो इसमें जो बुनियादी सहूलतें हैं ये जितने भी सियासतदान हैं चाहे वो किसी पार्टी किसी ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है, ताकि आपको एक अच्छे अल्फाज में याद करें। सर आपकी वार्ड में भी पानी का शदीद मसला है, मुस्तकबिल में इसका क्या कोई हल सोचा है आपने? मेरी वार्ड में अब तकरीबन मसला हल हो चुका है सर। कुछ लोग काने करते हैं कि यार हम ये अब पानी पहले था मसला जी जी, अब तकरीबन ईद उल जो रमज़ान के महीने से अब उसमें तसलसल आता जा रहा है। पहले पानी आता था 15 दिन बाद या 16 दिन बाद, अब तीसरे चौथे दिन पे पानी आ रहा है। आप कहते हैं आपकी मसला हल है, अब मज़ीद उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि ये उस वक्त खानपुर जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है उसकी एक मैंने डॉक सईदा चौक से ये हमारा जो टैंक है यहाँ पे हमारे लोग बातें करने वाले बहुत हैं, आज तक किसी ने एक मरला ज़मीन डोनेट नहीं की। मैंने टैंक के लिए एक कनाल और दो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं यहाँ पे, वो भी मैंने खुद ही ज़मीन डोनेट की, डिस्पेंसरी की मैंने ज़मीन डोनेट की। अभी एक माह पहले मैंने अपने ज़ाती खर्च से अहमदाबाद में एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया। हमारा सफ़र जारी है, जारी रहेगा इंशाल्लाह। हमारा किसी सियासी पार्टी से टकराव नहीं है, ना ही हम टकराना चाहते हैं, हम अपना काम करेंगे इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन सियासी पार्टियों और जो लीडरान हैं मिनिस्टर हैं यहाँ पे, उनसे यही कहूँगा कि अपना किरदार अदा करें और सामने आएँ, ताकि पता चले कि आप इस इलाके के बेटे हैं, इस इलाके के बेटा होने का हक अदा करें। तो वो अदा करेंगे तो इस इलाके को फ़ायदा होगा। सर अगर मुस्तकबिल में आपको चुनाव इंसार अली खान या मुस्लिम लीग नून में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ता है तो आप किसका करेंगे? देखें वो हमारा एक पूरे इलाके के अंदर हमारा अपना भी ग्रुप है, हम अपनी मशावरत करेंगे, मशावरत करके कोई अकेला बंदे की कोई हैसियत नहीं होती। फर्स्ट तो हमारी प्रायोरिटी चौधरी निसार ही है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आया कि हमें कोई किसी तरफ देखना पड़ा वो भी हम ही मशावरत से चलेंगे, ये नहीं कि हम इस तरह ही चौधरी निसार को छोड़ के ये टहनियों पे बैठने वाला काम अब ख़त्म हो गया। अब जो इंसान अली खान का मुस्तकबिल देखते हैं इस हल्के में देखें, उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया, बिल्कुल अकेले हैं, नहीं अपने इलाके से बिल्कुल उनका रास्ता नहीं है, पीपी 10 में उनकी सीट होने के बावजूद भी वो पीपी 10 उनको ना टाइम दे रहे हैं और ना उनको मिसाइल हल कर रहे हैं। देखें ये उनका पर्सनल मामला है, उनके नहीं उनके तहफात थे कि मुझे जहाँ से जो पीपी हल्का था उनका वहाँ पे मैं 2000 लीड से जीत रहा हूँ और कौमी असम्बली भी उसी हल्के में आती थी, उसी पोलिंग स्टेशन में मेरे 600 वोट लीड है। तो वो तहफात है उनके कि एक बंदा वोट डालने के लिए आ रहा है वो मुझे डाल रहा है जीप पे, दूसरे ने क्या वो बल्ले पर डाली होगी? सर वो तो आवाम का नहीं, वो उस नहीं वो उनके तहफात थे कि इसमें इलेक्शन में रेगिंग हुई है। तो बहरहाल जो पार्टियों को फैसले होते हैं, लीडरशिप के फैसले होते हैं, सियासत में कोई चीज़ अरफे आखिर नहीं है। आज हम बातें कर रहे हैं ना कि फलां का मुस्तकबिल नहीं है, हो सकता है कल वो मुल्क का वज़ीर आज़म बना बैठा हो। यहाँ पे तो ऐसा भी होता है कि अगर एक दिन पता नहीं होता था अगले दिन बुजदार अगर पंजाब का वज़ीर आला बन सकता है तो बाकी लोग भी बन सकते हैं। सर आप खुद को अगले 5 सालों में कैसा कहाँ देखते हैं? देखिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ, आवामी नुमाइंदा हूँ, मैं बस इतना ही देखता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इस काबिल रखे कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ, ना मुझे किसी अहदे की ज़रूरत है, ना ही मैं किसी टहनी पे बैठने के लिए तैयार हूँ।
और ना ही मैं किसी के आगे पीछे जाऊंगा। मैं उस तरह के अहकामात मानता नहीं किसी के। तो अल्लाह की रज़ा की खातर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो मुझसे काम हो सकते हैं अपनी ज़ात के वाले से, जो मैं अपनी टाइम सर्व कर सकता हूँ वो मैं करता रहूँगा। मैं उस बेस पे चलूँगा, मैं किसी के पीछे नहीं चल सकता। वो कोई अच्छा है जिसमें कोई क्वालिटी है तो मैं इंशाल्लाह देखूँगा, तो जो इलाके के लिए भी बेहतर है उसके पीछे जब मैं समझूंगा कि ये बेहतर है तो मैं जरूर चलूंगा इंशाल्लाह। सर, नौजवानों के लिए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है और मुस्तकबिल में उनके लिए क्या कोई प्लान है? ऐसा आपके इलाके में ग्राउंड का मसला है, नौजवानों के खेलने की जगह नहीं है और लोग मर्शाद की तरफ आ रहे हैं, जब खेलने की जगह नहीं होगी सर उनको बैठने की जगह देखें अजीब लोगों के साथ हो जाएगी, तो आपका कुछ कंट्रीब्यूशन या प्लान है? हमारे जो नौजवान हैं दो तीन तबकात अपना हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। नौजवान का काम है कि वो पहले अपनी तालीम मुकम्मल करे और एक मुस्बत सरगर्मियों की तरफ तवज्जो दे। मैं देखता हूँ, मुझे दुख होता है कि छोटे छोटे बच्चे हाथों में सिगरेट उठाए, बाज़ ड्रिंक्स कर रहे हैं या ये मोटरसाइकिलिंग करते हैं, मुख्तलिफ ऐसे ऐसे उनके करेक्टर्स हैं। जब हम देखते हैं तो मैं दुख होता है कि आज का नौजवान जिसको एक सिंबल बनना चाहिए था वो सिंबल नहीं बनता जा रहा, वो तबाही की तरफ जा रहा। आज के जो वालदैन हैं, लीडरशिप है, इनका भी कसूर है कि वो मुख्तलिफ हवालों से इनको इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं कि फ़लाँ रैली लेके आ जाएँ, फ़लाँ पहुँच जाएँ, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं इनको कहा कि आपने पॉजिटिव काम क्या करने, हम आपके लिए क्या करेंगे, ग्राउंड मुहैया करेंगे, स्पोर्ट्स को फ़रोग देंगे, तालीम में ये आप करेंगे हम आपको ये करके देंगे, रोज़गार के हवाले से हमारे पास क्या मौके हैं, आप ये करेंगे हम इस जगह पे आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। इसलिए नौजवान तकरीबन बदतिल हो चुके हैं, ज़्यादातर क्राइम स्ट्रीट जो है ना वो इसी वजह से बढ़ी है। आप किसी जगह भी जा सकते हैं तो वो देखा देखी, अगर कोई नौजवान मोटरसाइकिल चला रहा है ना तो दूसरा जिसके पास नहीं है ना तो वो कोशिश करेगा कि मैं भी मोटरसाइकिल हासिल करूं, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम की वजह से हासिल करे चाहे जिस तरह मर्ज़ी हासिल करे। इसी तरह किसी के पास बड़ा मोबाइल उठाया हुआ है ना तो वालदैन को भी पूछना चाहिए कि ये मोबाइल तुमने टच वाला मोबाइल कहाँ से लिया है, ये तुम्हारे रोज़ाना जो तैयार होके जाते हो कहाँ पे जाते हो? पहले थी जब हमारा दौर था लाइब्रेरियाँ थी, लोग कंप्यूटर कोर्स करते थे, टाइपिंग करते थे, अब तो किसी का कुछ जाते ही नहीं, लाइब्रेरियाँ तो बंद हो चुकी हैं। तो नौजवानों के लिए ये है कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करके खुदा और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए रास्ते उस पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को अपना एक सिंबल बनाएं। तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे, बहुत सारे तारीख में आप देख सकते हैं जिनके नाम ले के आप उनको सिंबल बना के आगे चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी इस दुनिया में भी है और हर जगह पे किसी मुल्क में जाएंगे तब भी कामयाबी मिलेगी आपको। सर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक कलमे की बुनियाद पे बनाया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें बहुत सारे लोगों का कुर्बानी है, औलिया कराम का फैजान है, बहुत सारे बुजुर्गान की दुआ है। पाकिस्तान कायम है, इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान को कोई भी किसी जगह भी एक इंच भी उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। हम फैसले करते हैं हर जगह सतह पे, मुल्की सतह पे या इंटरनेशनल सतह पे, फैसले इतने पायदार होने चाहिए कि कोई भी मुल्क हमारी तरफ अगर देखे तो उस अंदाज से देखे कि जिस तरह दूसरे मुल्कों को देखता है। हमारे पासपोर्ट की जब तक यकसा इज्जत नहीं होगी, आज हम मिसालें क्यों देते हैं, तुर्की की मिसाल दे देते हैं, हम मलेशिया की मिसाल दे देते हैं, मुख्तलिफ और मुल्कों, चाइना की मिसाल देते हैं, और मुल्क हैं उनकी मिसाल क्यों देते हैं कि उन्होंने अपने अंदर एक कुर्बानियाँ दी हैं और अपने आप को एक जगह पे खड़ा किया है और कौमियत कौम परस्ती उनके अंदर मौजूद है।
हम दूसरे की मिसाल ज़रूर ले देते हैं, अपनी मिसाल पैदा नहीं करते। तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह, पाकिस्तान कायम है, इंशाल्लाह कायम रहेगा, और पाकिस्तान की अफवाज का किरदार बहुत अहम है इसमें। कि आप पिछले एतवार में देख लें कि जितनी कुर्बानियाँ हमारे जहाँ पे आवाम की हुई, तो फौजी अफसरान की बहुत ज़्यादा हुई। जो एक हमारा फौजी जवान, उसको तरबियत दी जाती है, वो तैयार होकर मार्च पे जाता है, तो वहाँ पे जब शहीद हो जाता है तो पूरा एक तसलसल है उसके पीछे। तो ये कुर्बानियों का सिलसिला है, तो ये जारी रहेगा, क्योंकि इसमें जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के अंदर एक जात का जज्बा है, तो वो इससे पीछे नहीं हटते, तो ना ही हटेंगे। इस पे इनको हटाने की कोशिश की गई मुख्तलिफ हवालों से, जो मुख्तलिफ ममालिक ने इनको प्रोग्राम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, निसाब से जिहाद को निकाल दिया गया। देखिए जी, निसाब से निकाल लें चाहे जिससे मर्जी निकाल लें, लेकिन जो जज्बा ईमानी है ना, वो तो सीने से तो नहीं निकाल सकते ना। जिस टाइम आप या रसूलुल्लाह का नारा लगता है, सारे सर बुलंद हो जाते हैं, चाहे कोई अनपढ़ ही कोई ना हो। और पाकिस्तान का जब नारा लगता है, पाकिस्तान के परचम को देखते हैं, मैं कई अनपढ़ों को देखता हूँ जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, वो परचम को देख के हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। तो ये आप बिल्कुल सोचना ही छोड़ दें कि पाकिस्तान को कुछ हो गया। इंशाल्लाह ये लोग मुल्क के लिए इकट्ठे हैं, दीन के लिए भी इकट्ठे हैं, और ये क्योंकि हमारी बका का मसला है ना। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या चीज़ है? देखें, हम आज के मौजूदा दौर में तो कामयाबी इस चीज़ को देख रहे हैं कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है जिसके पास, अच्छा मोबाइल रखा हुआ है, झूठा है जिसने, ये कामयाबी नहीं है। वो बड़ी गाड़ी में तो ज़रूर जा रहा होता है बंदा, लेकिन उसके रास्ते में कितने लोग खड़े होते हैं, उससे मुतबर होते हैं लोग। कोई साइकिल पे भी आ रहा है ना, तो हो सकता है उससे मुतबर हो। जितने जितने लोग ऊपर जा रहे हैं, इतने इतने दीन के रास्ते से पीछे भी हटते जा रहे हैं। ऊपर ज़रूर जाएं, लेकिन साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पे भी ज़रूर चलें, और दाएं बाएं भी ज़रूर देख लिया करें कि कौन खड़ा है, क्या कर रहा है। इससे एक और बात, आप पूरे दिन का तजिया जो है ना, रात को जब आप अपने बिस्तर पे लेटते हैं ना, तो बड़े बखूबी हो जाता है कि सुबह से लेकर मैंने जो शाम तक काम किए हैं, इस पे मैंने गलती कहाँ पे की है, वो गलती का अयादा हो जाता है वहाँ पे, कि मैंने इस बंदे के साथ मिला हूँ, थोड़ा सा मुझे वहाँ पे तलख मेरा रवैया था, या मैंने किसी को नज़रअंदाज किया है। तो ये जब अपने आप के साथ आप जंग करेंगे, तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपका कहने का मतलब, जब तक अपना एहसाब नहीं होगा, ये माशरा ठीक नहीं होगा। सर, आप लीडर किसको मानते हैं, हिस्ट्री में या अभी मौजूदा दौर में किसको लीडर मानते हैं? देखें, लीडर की जो पहचान होती है, कोई कुर्बानी का जज्बा होता है कि वो पहले अपनी कुर्बानी देता है लीडर। हमारे पाकिस्तान के अंदर लीडर आए थे ना, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना, कि जब वो दुनिया से गए तो उनके पीछे कोई जदाद नहीं थी, कुछ उनका एहसासा कोई नहीं था। डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, उनका जो उनके मजमूए थे, आज भी हर जगह मौजूद हैं, लाइब्रेरियों में मौजूद हैं, यही उनका एहसासा था। इसी तरह मुख्तलिफ लोग आए, लियाकत अली खान मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, नवाब थे लेकिन आखिर में, इसी तरह कई और मुख्तलिफ अदवार में, उसमें बहुत सारी हिस्ट्री है, कि मैंने पढ़ी हुई है सारी हिस्ट्री, बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, कि जो लोग काम करना चाहते थे, किसी को 6 महीने काम करना दिया गया, किसी को साल, किसी को 2 साल, ये सारा तसलसल ख़त्म कर दिया। जमहूरियत का गला उसी वक्त ही घोट दिया गया था। उसके बाद जो बच्चे कुछे लीडर थे, उन्होंने अपना काम जो इस अंदाज में कर सकते थे वो किया, जो जिसका किरदार था
अच्छा किया उसको सारे लोग अच्छे अंदाज से याद करते हैं, लेकिन लीडर की पहचान होती है कि लीडर पहले कुर्बानी अपने से शुरू करता है। मैं बाहर निकलूँ और मेरे साथ 50-100 बंदा अगर मेरी हिफाजत कर रहा है तो मैं मुल्क की हिफाजत क्या करूँगा। और मैं इलाज करवाने के लिए यूरोप जाऊँ, कोई और जाए तो यहाँ पे, तो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हॉस्पिटल ही नहीं है इलाकों में, इन लोगों का कौन जिम्मेदार है? जो दावे बहुत सारे होते हैं जब टीवी पे, जब इनके तजिए आते हैं ना, दावे बहुत सारे होते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल काम आता है जीरो हो जाते हैं सारे, फिर वो अपने मामलात में उलझ जाते हैं। तो आज ज़रूरत इस चीज़ की, लीडरशिप जो होता है उसकी लीडरी खुद ब खुद सामने आ जाती है कि ये वाकई लीडर है। सर नौजवान इस वक्त बड़ा मायूस है, सर उसे अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए किसी भी शोबे में आप उसे क्या नसीहत करेंगे, वो क्या करे वो अपना मुकाम हासिल कर ले? नौजवान जो है ना, नौजवानों को सिर्फ यही कहूँगा कि वो ये जो मौजूदा हमारे मामला चल रहे हैं इनको सिंबल ना बनाएं, आप पीछे थोड़ा से चले जाएं, आप हिस्ट्री को मद्देनज़र रखें। नूरुद्दीन जंगी का क्या किरदार था, सिकंदर आजम का किरदार क्या था, मोहम्मद बिन कासिम का क्या किरदार था, इसी तरह बहुत सारी तारीख में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, सुल्तान टीपू है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक किरदार अदा करके यहाँ पे पहुँचे थे। यहाँ पे नौजवान, जो समझदार नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसका एक अपना विजन ज़रूर होता है, लेकिन बाकी ये होता है कि देखा देखी, ए फलाना उधर गया तो मैं भी उधर जा सकूं, अपना कोई अमल नहीं है, अपना अमल जब तक नहीं लेके आएंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आखिरी मैसेज हाजी ज़फ़र इकबाल साहब का, आखिरी मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका कहना था कि हमारे हिस्ट्री में जो किरदार हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि आज के किरदारों को, और उसके अलावा अपना मुकाम हासिल करने के लिए आप खुद को बिछाने, किसी को सामने मत रखें। पाकिस्तान हमेशा की तरह जिंदाबाद।